शाह सतनाम जी महाराज इतने दयालु स्वभाव के थे कि किसी भी जीव के दुख को देखकर आपका हृदय द्रवित हो उठता था। मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन वचन एवं कर्म तीनों से ही सतगुरु जी दया निधान थे। उस समय गांव में फसल को ऊंटों पर लादकर खेतों से खलिहानों में लाया जाता था। आप जी अपने खेतों में उत्पन्न चनों की फसल की करीब 2 क्विंटल भार की गठरियों की गिनती करके ऊंटों पर लदवाया करते, जबकि आम लोग बिना गिनती के ही इन गठरियों को ऊंटों पर लदवाया करते थे। अधिक गठरियां लादने के कारण ऊंटों को अत्यधिक कष्ट होता था। आप जी जीवों के प्रति दयावान थे, इसलिए फसल की गठरियों की गिनती करके ही लदवाई करवाते। चनों को फली से निकालते समय उन पर चलने की वजह से ऊंटों के पांव में जख्म हो जाया करते थे, तो आप जी उनके लिए चमड़े के बूट बनवाते। अक्सर फसल निकालने से पहले ही उनके अगले पांवों पर बूट चढ़ा देते, क्योंकि आप जी को सभी जीवों के कष्टों का अत्यधिक एहसास था। एक बार आप जी के एक ऊंट की नाक में घाव हो गया तथा खून व पीव का स्राव होने लगा। आप जी स्वयं अपने हाथों से ऊंट के नाक की सफाई कर घाव में दवा आदि लगाते थे। इस प्रकार कुछ दिनों में ही वह ऊंट स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार एक बार आपके पड़ोसी के ऊंट की नाभि में जख्म हो गया। वह पीड़ा से कराह रहा था। आपको जब पता चला तो आप जी तुरंत ही उस ऊंट की पीड़ा के निवारण हेतु इलाज में जुट गए। जब तक ऊंट का घाव नहीं भर गया, आप प्रतिदिन उस ऊंट को मरहम आदि लगाते रहे। एक बार परम पिताजी अपने गांव में घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक पिल्ला दर्द के मारे कराह रहा था। आप जी ने ठंड से कांपते हुए उस पिल्ले को उठाया और अपने घर ले आए। तत्पश्चात उसे प्यार से सहलाते हुए एक बोरी में लपेटकर कमरे में लिटा दिया तथा गर्म पानी के साथ उसे दवाई पिलाई और दूध भी पिलाया। फिर उसके ऊपर एक कंबल भी डाल दिया गया। अगले दिन सुबह देखा तो वह पिल्ला बिल्कुल ठीक था और पूंछ हिलाकर प्यार जता रहा था। आप जी अपने सुख की चिंता न कर दूसरे जीवों के कष्ट व दुखों के निवारण में तन मन धन से लग जाते थे तथा उनके कष्टों का निवारण करने में ही आप जी को सच्चे सुख की अनुभूति होती।